नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैटी ट्रांसप्लांटर यानी कि चावल रुपाई करने की मशीन। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि चावल की खेती एक बहुत ही मेहनत का कार्य होता है। इसमें बहुत सारी किसानों को बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। खेती करने के लिए किसानों को बहुत सारा समय और लागत की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक एकड़ खेत की रुपाई करने के लिए लगभग 16 मजदूरों की आवश्यकता होती है, और एक मजदूर का जो एक दिन का मजदूरी होता है वो कम से कम 400 रुपये होता है। इस तरीके से फार्मर का 5 से 6 हज़ार रुपये का एक एकड़ का खर्चा आता है, और एक दिन में सिर्फ एक एकड़ का ही किसान रुपाई कर सकते हैं धान की। अगर मजदूरों से करेंगे तो 16 आदमी सिर्फ एक दिन में 16 आदमी एक दिन में सिर्फ एक ही एकड़ का रुपाई कर सकते हैं। अगर वहीं पे हम मशीन का उपयोग करेंगे तो लगभग एक दिन में 3 एकड़ का रुपाई आराम से कर सकते हैं, और सिर्फ 3 मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन में जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो है विशेष प्रकार की तैयार की हुई नर्सरी। ये जो हम मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, रुपाई करते हैं धान में, उसमें नर्सरी तैयार करने की विधि विभिन्न तरह की होती है, मैनुअल होती है। इसमें एक विशेष प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है जिसमें कि हमें प्रमाणिक बीजों की आवश्यकता होती है जो कि एक विशेष विधि द्वारा अंकुरित किए जाते हैं। एक सीडर मशीन जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि आवश्यकता होती है, इससे हम एक सही अनुपात में सीड नर्सरी तैयार करते हैं। इसमें एक फ्रेम की भी आवश्यकता होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। इसमें जो एक फ्रेम भी दिया हुआ है, इस फ्रेम्स में हम केक तैयार करते हैं, और इसमें जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो मिट्टी छनी हुई होना चाहिए, और उसमें हम वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद भी मिलाते हैं। पॉलीथीन सीट जो कि ज़मीन पे बिछाते हैं उसके ऊपर हम मिट्टी डालते हैं, और फ्रेम से मिट्टी डालने के बाद हम इस तरह, ये मशीन है, मशीन में एक 15 से 20 किलो सीड की आवश्यकता पड़ती है एक केक में, और एक 18 से 20 दिन में इस तरह से केक तैयार हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक किसान ने अपने मकान की छत के ऊपर इसकी नर्सरी तैयार की हुई है वही विधि से तैयार से, और ये आप 18 से 20 दिन की आप नर्सरी देख रहे हैं, ये पूरी तरह से तैयार हो गई है नर्सरी। ये नर्सरी को हम किसी भी तरह इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एक नर्सरी हम खेत में, घर में उगा सकते हैं, खेत में उगा सकते हैं, या किसी पोल्ट्री फार्म या शेड के नीचे हम इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम इस नर्सरी को ट्रांसपोर्ट करके हम खेत पे ले जा सकते हैं। वो खेत पे ले जाने के बाद फिर हम इसका मशीन से हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। एक एकड़ की रुपाई करने के लिए लगभग 80 ऐसे इस तरह के केक की आवश्यकता होती है, और एक एकड़ ज़मीन के लिए करीब 20 केजी सीड ही लगता है। बाकी अगर आप देखेंगे मैनुअल आप करेंगे तो 30 केजी सीड लगता है। और दूसरा प्रकार, ये नर्सरी मैट नर्सरी सिर्फ 15 से 18 दिन में बन के तैयार हो जाती है, जो कि 12.5 सेंटीमीटर का पौधा होने पे यह नर्सरी तैयार मान ली जाती है रुपाई के लिए। अगर वहीं हम मैनुअली करते हैं तो 30 दिन की नर्सरी होती है, और उसका पौधे का साइज 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाता है। बाद में हम उसको रुपाई करते हैं तो उसमें पौधे को खेत में उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है जितना कि छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो दोस्तों, ये हमेशा मैट नर्सरी एक बहुत ही कारगर साबित हुई है इस मशीन से, और इस तरीके से हम मशीन का जब उपयोग करेंगे ये आराम से ट्रांसपोर्ट, 3 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है मशीन चलाने के लिए, एक जो कि ड्राइवर होता है, 2 आदमी ये नर्सरी को सप्लाई करने के लिए मशीन में डालने के लिए होना चाहिए। इसमें जो मिट्टी यूज करते हैं नर्सरी तैयार करने में वो फिल्टर की हुई मिट्टी होना चाहिए, उसमें कुछ कंकड़ पत्थर तक नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से सीड ड्रिल में जो चोक हो जाता है नाली, उसी तरीके से इसमें भी नाली चोक हो सकती है। तो दोस्तों, इस चीज़ का खास ध्यान रखें, मिट्टी फिल्टर की होना हुई चाहिए, और इसको समय समय पे इसको पानी और सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। पानी कम नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है इस मौसम में, इसलिए नर्सरी सूख सकती है।
और अच्छे सीडों का इस्तेमाल करें। और दोस्तों जो सीड हैं उनको विशेष विधि द्वारा अंकुरित किया जाता है, उनको पहले प्रमाणित सीड ही यूज करना चाहिए। अंकुरित करने के लिए हम पानी में भिगोते हैं। अब देखिए ये इन्होंने नर्सरी तैयार की है, अब बाद में इस मशीन को ये मशीन में डाल के इसका ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। अगर आप चावल की खेती करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इस प्रकार की मशीन यूज करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। इसमें आप प्रतिदिन 10,000 रुपये तक बचा सकते हैं और प्रति एकड़ आप 3,000 से 4,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। एक सीजन में आप इस मशीन से 75 से 100 एकड़ का ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मशीन एक ही सीजन में फ्री हो जाएगी, क्योंकि आप इसको भाड़े पे भी चला सकते हैं और इसको अपने स्वयं के यूज के लिए कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं मशीन के काम में बहुत कम मजदूर मिलते हैं इस सीज़न में, इसलिए इस मशीन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इस मशीन को खेत पे चलाने के लिए इसमें एक अलग तरह के व्हील होते हैं, जो कि लोहे के व्हील होते हैं, जिससे कि मशीन फंसती नहीं है, आप इस पर चला सकते हैं। इसमें जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो 23.8 सेंटीमीटर होती है, पौधे से पौधे की जो दूरी 17 सेंटीमीटर होती है, जिसको कि हम कम से और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिसमें इस मशीन को चलाने में जो डीजल की खपत होती है वो एक घंटे में 600 से 800 ml डीजल लगता है, यानी कि आप आराम से 2 से 2.5 लीटर डीजल में 1 एकड़ का ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत ही कम लोगों की आवश्यकता होती है, अगर आपके घर में 2-3 सदस्य हैं तो आप मिलके इस मशीन को आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक और अच्छी मशीन है। तो हम दोस्तों से अनुरोध है, अगर आपको इसके बारे में और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स द्वारा बता सकते हैं। दोस्तों अगर कुछ आपको इसके बारे में कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, कुछ सलाह देना